एशिया कप का फाइनल बेईमानी से जीता पाकिस्तान, बूढ़ों की फौज अंपायर की बेईमानी तब जाकर चैंपियन बना पाकिस्तान, इमर्जिंग प्लेयर के नाम पर बूढ़ों का स्वागत करते बाबर को नहीं आई शर्म, फाइनल जीतने के बाद हीरो बनने निकल पड़े बाबर आजम, बांटने लगे ज्ञान, भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी अपने नाम की, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, मैदान पर ही सजदा किया। इसके बाद पाकिस्तान टीम के सीनियर खिलाड़ी और कप्तान बाबर आजम ने भी अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन जो जीत पाकिस्तान को मिली वो जीत बेईमानी वाली है। दरअसल इमर्जिंग एशिया कप में जहां उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, वहां पाकिस्तान ने अपने बूढ़े खिलाड़ियों को टूर्नामेंट खेलने के लिए भेज दिया था, जबकि भारत के युवा खिलाड़ी ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में भले ही भारत हारा हो, लेकिन इस हार पर भी हमें गर्व है, क्योंकि हमारे 20-21 साल के खिलाड़ी खेल रहे थे, जबकि चैंपियन पाकिस्तान के 28-29 साल के खिलाड़ी मैदान पर थे। इसके अलावा ये भारत की हार नहीं बल्कि पाकिस्तान को तोहफे में दी गई जीत है, क्योंकि बूढ़ों से सजी टीम को फाइनल में अंपायर का भी खूब साथ मिला। फाइनल में अंपायर ने दो गलत फैसले दिए थे, बस यहीं से पाकिस्तान को चैंपियन बनाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई। वहीं सीनियर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को भी श्रीलंका के होटल में अपनी बूढ़ी टीम का स्वागत करने में बिल्कुल शर्म नहीं आई। उन्होंने बड़े गर्व से अपने खिलाड़ियों का स्वागत किया। आपको बता दें कि बूढ़े पाकिस्तानियों से सजी पाकिस्तानी टीम जब अपने होटल में पहुंची तो वहां बेसब्री से इंतजार कर रहे सीनियर टीम के कप्तान बाबर आजम ने उनका खूब स्वागत किया, जिसका वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें बाबर आजम अपने बूढ़े चैंपियंस को ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, खुद पर भरोसा रखो, अपने आप को पहचानो, ऐसी तमाम बातें कहकर वो टीम के बीच में बैठकर हीरो बनने निकल पड़े। लेकिन वो भूल गए कि बूढ़ों से सजी उनकी टीम कोई इमर्जिंग टीम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ए टीम में कई खिलाड़ी उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, जबकि इंडिया ए में एक भी कैप्ड खिलाड़ी नहीं था, किसी के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं था। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये फाइनल जीतकर उछल रहा है तो उसे समझना चाहिए कि ये बेईमानी की जीत है। वहीं मैच की बात करें तो इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 352 रन ठोक डाले। सैम अयूब ने 59, फरहान ने 65 रन, तैयब ताहिर ने 71 गेंद में 108 रन ठोके। जवाब में टीम इंडिया 224 रनों पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, जिसके चलते टीम को हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक शर्मा ने 61 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इस फाइनल में जीत हार से ज्यादा चर्चा खिलाड़ियों को लेकर हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत के उभरते हुए सितारे इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके खिलाड़ी शामिल थे। ऐसे में अंपायर का भी पाकिस्तान टीम को खूब साथ मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में जीत मिली। हालांकि जीत बेईमानी वाली है, ऐसे में बाबर आजम को बूढ़ों की फौज का स्वागत करने से पहले अपने गिरेबा में झांक लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।